नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि किसी विद्यालय की एक कक्षा के दो छात्रों ने गणित में शून्य अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए, पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? ठीक है, अब कुल छात्र कितने होंगे ये बताइए आप। तो कुल छात्र होंगे, देखिए, दो छात्रों ने शून्य अंक प्राप्त किए और 18 छात्रों ने 80% प्राप्त किए, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 20। ठीक है, अब 18 छात्रों के अंक कितने होंगे? छात्रों के अंक, तो 18 छात्रों ने 80% प्राप्त किए, यानी 18 × 8 = 144, 1440 अंक हो गए। और दो छात्रों के अंक कितने होंगे? दो गुणा जीरो यानी जीरो, कोई अंक ही नहीं प्राप्त किया। तो 20 छात्रों के अंक कितने हो जाएंगे? 20 छात्रों के कुल अंक बराबर 18 छात्र के 1440, 2 के 0, तो 1440। अब हमें निकालना है औसत, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? कुल अंक अपॉन कुल छात्र। ठीक है, कुल अंक कितने हैं? 1440, तो कुल छात्र कितने हैं? 20। डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, यानी औसत अंक निकल के कितने आ गए? 72। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है? 72 है। ठीक है, कैसे लगाया? कुल छात्र निकाल लिए, दो छात्रों ने जीरो, 18 छात्रों ने 80%, टोटल छात्रों के 20, 18 छात्रों के अंक है 1440 और दो छात्रों के अंक है जीरो, यानी टोटल 20 छात्रों के अंक कितने निकल के आ गए? 1440। 1440 में 20 का भाग लगा दिया, 72 आंसर निकल के आ गया, यानी पूरी कक्षा का जो औसत है वह कितना है? 72 है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।